आपको बता दें कि मोटर माइक में अब सुजुकी इंडोनेशियन मार्केट के लिए नया प्रोडक्ट सुजुकी बेनिट 150 को उतारने की तैयारी कर चुकी है। बाइक अगस्त में काइंडो इंडोनेशिया इंटरनेशनल ऑटो शो में शोकेस की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि सुजुकी इंडोमोबाइल सेल्स के मार्केटिंग और सेल्स हेड योहान याहया ने कहा, सुजुकी अगले महीने के बेनिट 150 को लॉन्च कर देगी और कंपनी इंडोनेशियन मार्केट में अगले एक महीने में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। वैसे पिछले कुछ समय में सुजुकी GX S150 की बिक्री में गिरावट आई है। कंपनी इस बाइक के प्रीमियम बाइक की तरह ही बेचेगी। चलिए आपको बताते हैं इसके खास फीचर्स के बारे में। बता दें कि नई मोटरसाइकिल में सुजुकी GX S150 वाला 150cc इंजन होगा। कंपनी नया ब्रांडेड 150 लेकर आ रही है, अपनी बिक्री बढ़ाना चाहती है और सुजुकी GX S150 की बिक्री प्रीमियम सेगमेंट में जारी रहेगी। बता दें कि बेनिट 150 का मुकाबला होंडा CB150SF और यामाहा V-Exon से होगा। इसमें सुजुकी GX S150 वाली चॉइसेस भी दी जाएंगी। इसमें नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी लगा होगा। GX S150 में 1473cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन दिया जाएगा जो 19 BHP की पावर और 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें 6-speed ट्रांसमिशन दिया गया है। आपको बता दें कि सुजुकी ने लॉन्च की नई इंटीरियर एवेंजर से होगा इसका सीधा मुकाबला। सुजुकी ऑटो शो में बेनिट 150 के साथ सुजुकी वर्कमैन स्ट्रीट और सुजुकी एक्स मैक्स 250 भी पेश कर सकती है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।